महाराष्ट्र का कोल्हापुर शहर प्रगतिशील विचारों को मानने वाला शहर है। यहाँ राजऋषि शाहू महाराज ने महिलाओं के साथ अन्याय करने वाली कई पुरानी परंपराओं को तोड़ा है। अब कोल्हापुर के हेरवाड़ ग्राम पंचायत में एक बेटे ने विधवा प्रथा को तिलांजलि देते हुए अपने पिता की मौत के बाद अपनी माँ की दूसरी शादी करवाई और वो भी धूमधाम से, जिसके बाद परिवार में खुशी की लहर दौड़ उठी। सामाजिक कुरीतियों को तोड़ने वाले बेटे का नाम युवराज शैले है। 23 साल के युवराज के पिता नारायण की 2 साल पहले एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। बेटे ने देखा कि उसके बाद उसकी मां रत्ना उदास और परेशान रहने लगी थी। समाज भी उन्हें विधवा की नजर से देखने लगा था। केवल 45 साल की उम्र में मां का ये हाल 23 साल के बेटे से देखा नहीं गया और उसने अपनी मां की दूसरी शादी कराने की ठान ली। बेटे ने जान पहचान के ही एक किसान मारुति को मां से शादी के लिए राजी कर लिया, लेकिन अब उसके सामने चुनौती थी मां को दूसरी शादी के लिए तैयार करने की। आखिरकार बेटे की जिद के आगे मां को अपनी जिद छोड़नी पड़ी और वो दूसरी शादी के लिए राजी हो गई। खास बात यह है कि आस पड़ोस के सभी ने बेटे के इस प्रयास का समर्थन किया और शादी समारोह में शामिल भी हुए। मां रत्ना का कहना है कि बेटे की शादी कराने की उम्र थी, लेकिन बेटे की जिद के लिए मुझे खुद अपनी शादी करनी पड़ी। मैं खुश हूँ, इससे बेटे की इच्छा पूरी हुई। रत्ना की मांग फिर से भर गई और अब तीनों राजी खुशी रह रहे हैं। बेटे और मां के इस साहसिक निर्णय से कोल्हापुर प्रगतिशील आंदोलन में एक और कदम आगे बढ़ गया है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।